नशे के गढ़पद्रोह में नौजवान पीढ़ी को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इंदौरा के थपकोर गांव के रहने वाले 41 वर्षीय राजीव वशिष्ठ ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए कमर कस ली है। उनका कहना है कि वे युवा पीढ़ी को खेलों के लिए प्रति उत्साहित कर रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान नशे में ना होकर खेलों के प्रति हो। राजीव वशिष्ठ ने बताया कि इस नशे के गढ़ में रोज सुबह लगभग 200 युवा भागते और कसरत करने आते हैं, जो कि पहले एक भी युवा सड़क पर कसरत करते हुए नहीं दिखता था। राजीव सिस्ट ने इस समय डेनकवर स्कूल में बतौर हिंदी प्रवक्ता की पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे साथ युवा लड़के हर रोज देर रात तक अलग अलग टोलियों में सड़क पर घूमते रहते हैं और निगाह रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन ना करे और इससे बचे। कई लोगों को जो कि नशा बेचते हैं उनको पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया जा चुका है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजीव वशिष्ठ पर हर समय खतरा मंडराता रहता है। पता नहीं कब नशे के कारोबारी उन पर हमला कर दे, परंतु फिर भी उनका एक ही लक्ष्य है कि वे युवा पीढ़ी को किसी भी हालत में नशे से दूर रखें। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से बढ़कर अब 17 करोड़ तक पहुंच गई है। मंडी के ऐतिहासिक शहरी मंच पर आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान नड्डा ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल वंशवाद की पार्टियां बनकर रह गए हैं, जबकि भाजपा एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सही मायने में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण सभी साधारण परिवारों से आकर पार्टी से कार्यकर्ता के रूप में जुड़े और अपनी निष्ठा और मेहनत के बल पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी हिमाचल जैसे छोटे से राज्य से उठाकर पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही है। उन्होंने कहा कि इस समय हिमाचल और देश में भाजपा का स्वर्ण काल चल रहा है। पार्टी लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि कभी मंडी में अटल जी और शांता जी की रैलियां करवाई जाती थी और उन्होंने सुनने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता था, तब भी दरियों पर बैठकर कोई नहीं सुनता था, मगर आज दो दिन के आह्वान पर सारे पंडाल भरा पड़ा है। नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति की संस्कृति को बदलने का रास्ता है, जिसके चलते देश में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत की तस्वीर बदल डाली है। वही पाकिस्तान को भी दुनिया की राजनीति में अलग थलग करके रख दिया है। जगत प्रसाद नड्डा ने मंडी में बिताए अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि मंडी की दीवारों को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि यहाँ की हर दीवार पर उन्होंने अपने हाथों से वॉल राइटिंग की है। वहीं पर मंडी में देश के बड़े नेताओं की रैलियां करवाने का दायित्व भी उन्होंने निभाया है, जिसमें माननीय अटल जी प्रमुख थे। नड्डा ने कहा कि जब जयराम ठाकुर बोलने के लिए उठे तो जोर की तालियां बजी। हम राजनीतिज्ञ तालियों की गड़गड़ाहट से समझ लेते हैं कि मौसम कैसा है। आजकल हिमाचल में भाजपा के लिहाज से मौसम अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होने का जिक्र करते हुए कहा कि उसके हटने से वहां पर देश के कानून की 104 धाराएं लागू हो जाएंगी, जो पहले लागू नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा कि अब वहां पर भ्रष्टाचार उन्मूलन पास्को जैसे कानून भी लागू होंगे। वहीं पर जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले के दोषी अब या तो जेल में होंगे या फिर बेल पर होंगे। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है, जिससे विकास की रफ्तार तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगले महीने धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। मंडी में शेरी मंच पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के अभिनंदन समारोह के दौरान
जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू कर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है, जिससे हिमाचल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल छोटा राज्य है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारियां बड़ी निभा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले इस पद तक बड़े राज्यों से आए लोग भी पहुंच पाते थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाले 7-8 नवंबर को धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के मित्रों को अभी इससे परेशानी हो रही है। जो हम नहीं कर पाए वो ये क्यों कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इन्वेस्टर मीट के माध्यम से प्रदेश से बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब ऊपर नीचे की और टोपियों की राजनीति बंद हो गई है, अब केवल समग्र हिमाचल का समग्र विकास की लक्ष्य है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने भी संबोधित किया।